यदि आप सर्दी सर्दी के महीने में ऐसे विशेष औषधि युक्त गाजर पाक बना करके खाएंगे, आप सांड जैसे हो जाएंगे। ये आज आपको गाजर पाक जो बनाना हम सिखा रहे हैं, ये गाजर पाक नहीं है, गाजर पाक का ही बाप आप इसको कह सकते हैं। तो वो किस तरह से बनाना है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, और किस तरह से वो आपको ताकत देगा, किन किन रोगों में आप उसको ले सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए, आप 1.5 किलो गाय का दूध ले लेंगे, और 1.5 किलो गाय के दूध में आप 0.5 किलो गाजर लेकर के कद्दूकस करके ऐसे देखिए, ये जो हमने चढ़ा रखा है पहले से भी, तो इस तरह से चढ़ा देंगे उसको, और लोहे की कढ़ाई में चढ़ाएंगे। विशेष गुण आपको मिलेंगे, सिल्वर की कढ़ाई में आप प्रयोग नहीं करेंगे उसका। तो इस तरह से तैयार करके इसको चढ़ा देंगे, और पकते समय पे आप जो है सालम पंजा ले लेंगे। देखिए, ये सालम पंजा ले लेंगे, ये जो है स्थावर ले लेंगे, ये जो है अश्वगंधा ले लेंगे, और ये जो है सफ़ेद मूसली ले लेंगे। ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ, स्थावर है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, उसमें जो है ये कोंच के बीज है, ये सब ले लेंगे, और उसमें क्या है केसर भी ले लेंगे, केसर है ये तो केसर ले लेंगे, और इसमें जो सौंठी भी जरूर लेनी है, और सौंठी की जो है एक आदमी के लिए कम से कम 0.5 चम्मच डालनी इसमें, जितने भी आदमी उसके हिसाब से डालेंगे आप, क्योंकि सौंठी जो हो विशेष दीपन पाचन करती है, और किस तरह प्रयोग करना उसके बारे में बताएंगे। तो हमने ये सारी की सारी जड़ी बूटियां इसमें ले रखी, सफेद मूसली, स्थावर, अश्वगंधा आदि, इनका सबका चूर्ण बना रखा है पहले से ही। ये चूर्ण जो है ना आप, चूर्ण एक आदमी के लिए लगभग 0.5 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। देखिए, 0.5 चम्मच के आसपास है इसमें, जब बन रहा हो तो आप किसी भी टाइम बनते समय पे ये 0.5 चम्मच के आसपास जो इसमें चूर्ण ये डाल सकते हैं आप, जो सारी जड़ी बूटियों से मिला करके बना रखे हमने। और क्या है इसमें आपको केसर डालना, केसर देखिए, केसर एक आदमी के लिए केसर जो डालेंगे आप, वो लगभग 5-6 इसके जो पत्ते हैं, इतने सारे पत्ते एक आदमी के लिए, ज़्यादा आदमी हो तो उनके लिए आप ज़्यादा का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये केसर डाल देंगे आप इसमें, और इसमें क्या डालेंगे आप, इसमें आप और डालेंगे इलायची को थोड़ा कूट पीस लेंगे, इस तरह से हमने एक थोड़ा पीस रखा है, इलायची इसमें डाल देंगे आप, और इसमें जो है आप उसमें बादाम डाल सकते हैं, ये बादाम जो है बादाम डाल सकते हैं इसमें आप, इसमें किशमिश भी डाल देंगे, बादाम भी डाल देंगे इसमें, और इसमें डाल देंगे आप देसी खांड जो है, ये देसी खांड भी डाल देंगे, बनते इसमें डालनी देसी खांड भी आपको इस तरह से। और ये ध्यान विशेष रखना कि लोहे की कढ़ाई में ही बनानी है आपको, ये ऐसे देसी खांड भी डाल देंगे इसमें। और क्या डालेंगे, और डालेंगे आप इसमें देसी घी, जैसी जितनी ताकत ज़्यादा आपको चाहिए, कम चाहिए थोड़ा कम डालेंगे, ज़्यादा ताकत चाहिए तो ज़्यादा डाल देंगे आप घी इसमें। देखिए, इस तरह से घी डाल देंगे, तो ये सारे का सारा इसमें सफ़ेद मूसली है, स्थावर है, सालम पंजा है, विदा ये अपना अश्वगंधा है, कोंच के बीज है, और अपना इलायची है, केसर है, ये सारे के सारे आइटम कूट पीस करके इस तरह चूर्ण के रूप में तैयार कर लेना आपको। ये चूर्ण ही डालना है, सीधे नहीं डालने, क्योंकि ये पूरे सीधे जो पक नहीं पाएंगे। तो इस तरह से इसको यदि आप बना करके खाएंगे नवंबर का, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में, तो आपके अंदर सांड जैसी ताकत आ जाएगी, जैसे सांड जो है पूरी बारिश में भी और सर्दी के महीने में भी, जब पूरा पाड़ा पड़ता है, ठंड पड़ती है, उस समय पे बाहर जो है चौक में या किसी ग्राउंड आदि में ठंडी रेत में बैठ करके फुकारे मारता है। यदि आप इस तरह से गाजर पाक को बना करके सर्दियों में खाओगे तो आप भी उसी तरह फुकारे मारोगे। और आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि इस तरह से आपने शोधन आदि करके, अपना दीपन पाचन अच्छा करके, अपने अपनी भूख बढ़ा करके, भूख बढ़िया मजबूत करके, और पाचन अच्छा करके, अनुलोमन अच्छा करके, सर्दी के महीने में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में इन औषधियों से युक्त औषधि बना करके, या इस तरह से विशेष गाजर पाक बना करके यदि आप इसका प्रयोग करते हैं, तो यदि फिर आप निरंतर लगातार रोज भी यदि स्त्री के साथ संभोग करते हैं, तो भी आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आएगी आपको। बाकी जो ऋतुएं होती है उसमें वर्षा ऋतु है या ग्रीष्म ऋतु है या फिर बसंत ऋतु आदि है या फिर शिशिर ऋतु है, उनमें यदि आप स्त्री का सेवन ज्यादा करेंगे तो आपको हानि होगी। और उन ऋतुओं में, उन महीनों में सिर्फ 4 महीनों को, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को छोड़ करके, और उसमें भी भूख अच्छी करके, मजबूत करके, इस तरह की औषधियों का प्रयोग यदि आप करके, यदि आप लगातार संयोग करोगे, स्त्री के साथ रिलेशनशिप बनाओगे, तो कोई नुकसान नहीं है।
बाकी पूरी साल में यदि आप लगातार निरंतर संयोग करोगे तो उसके भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। तो इस ऋतु में आपको इस औषधि युक्त गाजर पाक बना बना करके और उसमें अच्छी मात्रा में सौंठी डाल करके, सौंठ जो है वो अच्छी मात्रा में डालनी है, एक आदमी के लिए कम से कम जो है आधा चम्मच सौंठ डाल करके इसका प्रयोग करना है। यह बहुत विशेष बल देने वाली है, विशेष ताकत देने वाली है, आपकी बुद्धि बहुत विशेष हो जाएगी, आपका हृदय मजबूत हो जाएगा, आपकी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र जो वीर्य धातु है वो सारी की सारी पुष्ट हो जाएगी, बलवान हो जाएगी। यदि आपका वजन कम है आपका वजन बढ़ जाएगा, आपका यदि किसी प्रकार की कोई वीकनेस है, सेक्सुअल वीकनेस है, वो भी आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और किसी प्रकार की कोई कमजोरी शरीर में है वो भी बढ़िया हो जाएगी, खून भी खूब सारा हो जाएगा, मांस भी खूब सारा हो जाएगा और शुक्र आदि धातुएं बढ़िया मजबूत हो जाएगी। तो आपके अंदर ओज और तेज है वो भी बहुत मजबूत हो जाएगा, ओज तेज भी आपका जो है मजबूत हो जाएगा, आंखों के जो चश्मे हैं उसके ऊपर भी आपकी आंखों की नजर बढ़ जाएगी, आंखों का नंबर जो है आपका घट जाएगा, मजबूत हो जाएगा आपका, यानी कि आंखों की दृष्टि मजबूत हो जाएगी, बाल मजबूत हो जाएंगे, आपका जो है पूरे का पूरा शरीर का जो तंत्र है जो होता है वो कुछ भी क्यों ना हो शरीर का पूरा बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आप इन 4 महीनों में अपने बल को इतना बढ़ा लीजिए कि आपका अगला जो पूरी साल जो है वो यानी कि क्या बोलते हैं ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त आदि का जो महीना आता है जिनमें रोग विशेष होते हैं, वसंत ऋतु में रोग विशेष होते हैं, वर्षा ऋतु में रोग विशेष होते हैं या फिर शिशिर ऋतु में रोग विशेष होते हैं, वो सारे के सारे रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे सांड होता है ना, सांड पूरा साल जो है यूं ही फुकारे मारता घूमता, क्यों? क्योंकि वो अंदर से मजबूत होता है। तो इसका यदि आप इस तरह से औषधि युक्त विशेष गाजर पाक का बना करके प्रयोग करेंगे तो आप भी अंदर से मजबूत हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे और पूरी साल आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी रोग आए, कोई भी भयानक बीमारियां आए संसार में चलती रहेगी और आप जो मजे में सांड की तरह विचरण करते रहेंगे और उसी तरह से जो है हर प्रकार के आनंद को, स्त्री का हो चाहे वो खाने का पीने का देखने का कोई भी संयोग क्यों ना हो, आप उसका बढ़िया आनंद ले पाएंगे। तो ये मेरा नंबर है, मैं आचार्य अनुपम समालखा से पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। तो इसके बारे में या फिर किसी प्रकार की और भी ताकत की औषधियों के बारे में आप संपर्क करना चाहें, आपको जरूरत हो, कोई कमी हो आपकी किसी प्रकार की, तो उसके लिए भी आप मेरा ये नंबर है 9355842422 इस पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। और दूसरा हमारा ये नंबर जो है करनाल प्लस का, इस नंबर के द्वारा भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्षा यानी कि अपना जो ये बारिश का जो मौसम, अपना सर्दी का जो मौसम है, इस सर्दी के मौसम में हमें इस तरह की औषधियों का लगातार हर वर्ष प्रयोग करते रहना चाहिए ताकि हम जब तक जिए तब तक हमारे शरीर के सारे अंग दृढ़ होकर के मजबूत होकर के काम करते रहे और हम किसी के यानी कि सहारे की हमें जरूरत ना हो, हम दीन ना हो, दीनहीन ना हो, पूरे समर्थ होकर के अपने ही सहारे पर जिए, जब तक जिए तब तक पूरे मजे के साथ जिए, पूरे शरीर के साथ जिए। इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप जब तक जिएंगे मजे में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। इति ओम।